तो फाइनली विद्युत जमाल की फिल्म IB71 को, जिसको मैंने कल देखा, अगर मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं ना, तो ये फिल्म पूरी तरह से एकदम प्योर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। देखिए, अगर आप स्पाई और थ्रिलर जैसी फिल्मों से कांटेक्ट रखते हैं, ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली ये फिल्म सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि स्पाई थ्रिलर का जिस तरह से इसमें माहौल को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, और जिस तरह से स्टोरी लाइन को डेवलप किया गया है, और जिस तरह से इसका एंडिंग दिखाया गया है, सब कुछ बिल्कुल स्मार्टली दिखाया गया है। आपको मैं एक बार और बोल दूं कि ये एक प्योर स्पाई थ्रिलर मूवी है। अगर आप फिल्म के अंदर मिर्च मसाला या फिर फिल्म के अंदर कुछ एक्स्ट्रापन अपने तरफ से फिल्मी गिरी देखना पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए शायद नहीं है। तब आप जाके किसी का भाई किसी की जान देखिए। फाइनली विद्युत जमवाल की ये एक न्यू लुक और एक न्यू अवतार में, या फिर बोल सकते हैं विद्युत जमवाल की तरफ से एक एक्सपेरिमेंटल देखने को मिला है। हालांकि इससे पहले बहुत सारी स्पाई थ्रिलर मूवीज बन चुकी है, बट यहाँ पे ये फिल्म उन सभी फिल्मों से बहुत कदम आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। फिल्म के अंदर काफी कुछ पॉजिटिव वाली चीजें भी है और बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी है, जो आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव चीजें के बारे में, तो देखिए, इस फिल्म का सबसे पहली पॉजिटिव चीज है इस फिल्म का कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन। जिस तरह से इस फिल्म के अंदर फर्स्ट हाफ में जिस तरह से स्टोरी को बिल्डअप देने के लिए कहानी को क्रिएट किया गया, प्लानिंग की गई है, उसके बाद इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया, और जिस तरह से सेकेंड हाफ में जो एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, जो थ्रिल देखने को मिलता है, वो बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ फिल्म के अंदर जहाँ जहाँ पे BGM सुनने को मिलता है, सही में कमाल का BGM है, क्योंकि ऐसी थ्रिलिंग फिल्मों के अंदर BGM एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ओवरऑल कास्ट परफॉर्मेंस है, चाहे अनुपम खेर और विद्युत जमवाल, उनके बारे में क्या ही कहा जाए, सैल्यूट है बंदे को, क्योंकि यार हर किरदार को विद्युत जमवाल ने अपने दम पर ही जिया है। ऐसा लगता है कि हाँ, उस किरदार के अंदर वो घुस गए हैं। जो लोग विद्युत को सिर्फ एक्शन हीरो मानते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि विद्युत सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं, बाकी ही किरदारों में भी ये बहुत ही परफेक्टली निभा सकते हैं। इसके अलावा जो 1970 का इसके अंदर जो माहौल क्रिएट किया गया, जो कलर टोन देखने को मिलता है, एलिमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो कहना चाहता हूँ बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही डिटेलिंग में डिजाइन किए गए। संकल्प की जो फिल्म थी, गाजी अटैक मास्टरपीस फिल्म थी, ठीक उसी को मैच करते हुए इस फिल्म के अंदर भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत ज्यादा डिटेलिंग को ध्यान में रखा गया है। डायरेक्टर को सैल्यूट है, क्योंकि ऐसी डिटेलिंग के अंदर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो बहुत सारी जो रियलिस्टिक डिटेलिंग है, उस ये सब मूवी के अंदर डाल चुके हैं, और जो एक रियल वाला फील होता है, रियल वाला फ्लेवर होता है, वो हमें देखने को इस फिल्म के साथ मिल जाता है। अब बात करें कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में, तो नेगेटिव चीज के बारे में मैंने पहले ही बताया कि देखिए, इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा स्लो है, आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट फर्स्ट हाफ वो जरूरी था इस फिल्म के अंदर दिखाना, क्योंकि सेकंड हाफ की कहानी को बिल्डअप देने के लिए फर्स्ट हाफ का ऐसा दिखाना बहुत जरूरी था। इसके अलावा मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंस को लेकर थोड़ी सी शिकायत देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन जो डिजाइन किए गए हैं वो ज्यादा करके नाइट शूट के ही देखने को मिलते हैं, और नाइट शूट का जो कलर है, डिजाइन है, वो हमें एक्शन को अच्छी तरह से जो रिप्रेजेंट कर सकते थे, अच्छी तरह से एक्शन को एक एक्सपीरियंस दे सकते थे, वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। हालांकि बाकी जगहों पे जो एक्शन थोड़े बहुत थे, वो थोड़े ठाक ठीक थे। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये उन लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट है जो लोग ऐसे रियलिस्टिक फिल्म से इग्नोर करते हैं, उनको थोड़ी सी मिर्च मसाला वाली और थोड़ा सा ऐसा फिल्मी टाइप का मूवी चाहिए, तो उनके लिए पूरी तरह से नेगेटिव हो सकता है। बट मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक प्योर स्पाई थ्रिलर मूवी है, आप इसको एक बार जरूर जाके देखें। फिल्म के लिए ना सही, तो इस फिल्म को इन्फॉर्मेशन के लिए यार जरूर देखना बनता है, क्योंकि 1970 का ये टॉप सीक्रेट मिशन था, जिसे देखना और जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल IB71 एक बहुत ही बढ़िया स्पाई थ्रिलर मूवी देखने को मिली है, और आपसे अनुरोध है कि यार इस फिल्म को सपोर्ट किया करो, क्योंकि यार विद्युत जैसा आउटस्टैंडिंग और विद्युत जैसा अंडररेटेड एक्टर अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पे विद्युत का जो चांस है कोई और ही एक्टर इस्तेमाल करते जा रहा है, क्योंकि यार विद्युत जमाल बहुत सारी बड़ी फिल्मों के लिए भी डिजर्व करते हैं, वो बंदा वो कर सकता है जो उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन, आपको कैसा लगा ये रिव्यू कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।